नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके सोशल स्पार्क चैनल पे। और दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से जब पूरे देश में 14 अप्रैल तक सारी ट्रेनें बंद हैं, तो बहुत से ऐसे लोग हैं, खास तौर से मजदूर वर्ग, जो मालगाड़ियों में छिप छिपा के इधर उधर जा रहे हैं, खास तौर से अपने घरों को लौट रहे हैं। ये स्थिति ख़राब है दोस्तों, और मैं ये समझ सकता हूँ या हम लोग समझते हैं कि मज़दूरों के लिए ये स्थिति बहुत ही ज़्यादा परेशानी भरी है। और उनके लिए मतलब एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, या तो वो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए अपने घरों की तरफ जाएं क्योंकि रोजी रोटी रोज़गार है नहीं, या फिर वो कोरोना वायरस के शिकार हो जाएं। अब ऐसी स्थिति में बहुत ही परेशानियों का समय है दोस्तों। फिर भी मेरी सबसे गुजारिश है कि मालगाड़ियों से सफ़र ना करें। मालगाड़ियों का कोई भरोसा नहीं होता है, और रेलवे के जो सख्त नियम हैं वो इतने ख़तरनाक हैं कि आप मालगाड़ी से सफ़र करते हैं तो आपको सजा हो सकती है और आप जेल में जा सकते हैं। तो एक घटना है, उसका जिक्र करना ज़रूरी है। और मालगाड़ी से सवार होकर झारखंड जा रहे करीब 5 दर्जन मजदूरों को गुरुवार को सुबह तड़के रेलवे सुरक्षा बल ने फम्फूद रेलवे स्टेशन पर उतारा। फम्फूद रेलवे स्टेशन ये कानपुर के पास है, और इसकी सूचना दी स्वास्थ्य विभाग को और प्रशासन को। टीमों ने हालांकि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जाँच की और मजदूरों को कोरोना निगेटिव पाया, फिर इन्हें छोड़ दिया गया बाद में। दोस्तों, पूरी डिटेल ये है कि जो मालगाड़ी थी ये दिल्ली से चली थी, और ये मालगाड़ी सुबह 7:15 पर फम्फूद रेलवे स्टेशन पर रुकी। तो वहाँ पर जो है लोगों ने देखा कि यहाँ पर कई तरह के जो है मजदूर इसमें बैठे हुए हैं, तब उन्होंने रेलवे को जानकारी इसको दी। यहाँ पर रेल प्रशासन पहुँचा और उन्होंने मजदूरों की स्क्रीनिंग की। हालांकि किसी भी मजदूर के शरीर का तापमान ज़्यादा नहीं था, जिससे उनके अंदर कोई कोरोना के लक्षण नहीं थे। अब रेलवे प्रशासन और जिला प्रशासन ये प्रयास कर रहा है कि मजदूरों को उनके घर तक भेज दिया जाए, जिससे कि वो परेशान ना हो। दोस्तों, ये घटना दुखदाई है, लेकिन फिर भी प्रयास कीजिए अपने घर में रहें, किसी तरह से ना निकलें, जिससे कोरोना के प्रभाव को कम किया जा सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको जो भी मैं नए वीडियो अपलोड करता हूँ वो मिलता रहे।